स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। सो आज फिर से बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके आ गया हूँ और आज मैं कुछ एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो को मेरा काफ़ी टाइम से मन था। अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो है बहुत टाइम से। अभी कुछ टाइम से मूवीज़ मतलब ज़्यादा तगड़ी नहीं आ रही थी, पर अभी एक ओ माय गॉड 2 आई थी, मेरे को तो मज़ा आ गया। और उसके बाद अभी एक और तगड़ी मूवी आने वाली है जिसके टीज़र का मैं सुबह से वेट कर रहा था, मतलब आ ही नहीं पा रहा था यार, पर अभी आ गया। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ बैठ के देखी जाए, क्योंकि सबसे तगड़ी चीज़ ये है कि अक्षय कुमार इसमें सरदार जी बना है। और जब भी वो सरदार जी बना है, सिंह इज किंग हो या फिर केसरी हो, तो एकदम बढ़िया मज़ा आ जाता है, माहौल बन जाता है। तो अभी इसका टीज़र आया है, चलो देखते हैं, मज़ा आएगा। मिशन रानीगंज। यार काफी तगड़े VFX से दिख रहा है नहीं एकदम ऐसा नाइस। बॉलीवुड से तो उम्मीदें ही उठ चुकी हैं यार, अच्छी भी मूवी आती है। पानी वानी देख के ऐसा फील हुआ कि काफी अच्छा VFX था। अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। अरे हम लोग जिंदा हैं। मेरे को तो पता ही नहीं था रियल इंसिडेंट पे ये मूवी। भाई साहब एक तो मेरे को तो बड़े मजे आते हैं भाई जब रियल इंसिडेंट पे मूवीज बेस्ड रहती हैं, जैसे कि एक केसरी थी उसमें भी बड़ा मजा आया था। मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए। परिणीति चोपड़ा दिखी थोड़ी सी मुझे, परिणीति चोपड़ा है। अक्टूबर को लग रही है या ट्रेलर आ रहा है 6 अक्टूबर को, जल्दी बताओ। 6 अक्टूबर को थिएटर में लग जाएगी, तो भाई साहब मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। मैं तो जरूर जाऊंगा देखने, आप लोग भी जाना। बाकी अभी ट्रेलर भी आएगा तो कमेंट में बताओ ट्रेलर पे रिएक्ट करना है क्या, क्योंकि मेरे को ये मूवी तो बढ़िया लग रही है देखने में। एक तो पता है रियल इंसिडेंट बेस्ड जो मूवीज रहती हैं उनको देखने का मजा ही अलग रहता है। और अभी इसमें जैसे मैंने VFX साउंड इफेक्ट वगैरह देखे तो थिएटर में तो मजा ही आ जाएगा। और जब ऐसा पानी वानी की आवाज़ें आती है भूम भूम, तो अलग फील आ जाता है। पर ऐसी कितनी कहानी है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अक्षय कुमार को ज़्यादातर ऐसी मूवीज़ में लिया जाता है जिसमें ये जो कहानी है जिनके बारे में हमें नहीं पता उनके बारे में पता चल पाता है। तो ये भी कुछ मतलब मेरे को जितनी समझ आई है अभी देख के, अभी मैं जाके रिसर्च करूंगा कि किस कहानी पे बेस्ड है ये मूवी। मैंने सोचा बाद में क्या रिसर्च करके आऊंगा, अभी बता देता हूं आपको कि ये मूवी बनी हुई है एक माइनिंग इंजीनियर के ऊपर जिसका नाम था जसवंत सिंह गिल। वो बहुत ज्यादा ब्रेव एंड ऑनेस्ट थे, डिलीजेंट माइनिंग इंजीनियर थे, मेरी इंग्लिश गड़बड़ है, एंड अमर जोशी अ ब्रेव ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर हु रेस्क्यूड 65 माइनर्स एट द रानीगंज कोलफील्ड। 65 लोग नीचे दब गए थे वो जो क्या कार कोयले की खदान होती है उसके अंदर। और कितने सारे लोग इस मूवीज में ऐसे भी दिखेंगे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो नीचे दब गए, पर एक ऐसा हीरो असली जिंदगी में होता है तो कितने सारे लोगों की जिंदगी बच जाती है। और मैं तो कह रहा हूँ 65 अगर नहीं भी होते, एक आध बंदा भी होता, तो भाई साहब इंसान की जिंदगी जो होती है या किसी भी जीव की जिंदगी उसकी एक वैल्यू होती है। तो अब ये मूवी देखेंगे, देखते हैं, मैं भी जानना चाहूंगा कि कैसे निकाला कोयले की खदान में से बाहर उन सबको। मैं तो जाऊंगा देखने। बाकी फिलहाल आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और फेवरेट पार्ट कमेंट करना। और मुझे ये भी बताना अक्षय कुमार की आपको फेवरेट मूवी कौन सी लगती है। मेरे को तो वो वाली लगती है किंग इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। टाटा बाय बाय।